प्रतीक्षा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाल की दाल। आप देख सकते हैं ये वाल की दाल है, ये इस तरह से दिखती है। हमें पहले इस दाल को अच्छे से धोकर कुकर में लगाकर, जैसे हम नॉर्मल तुअर की दाल लगाते हैं, वैसे ही इस दाल को हमें लगाकर 3 से 4 सीटियां कर लेनी है कुकर की। दाल बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दाल को पहले से ही उबाल लिया है। ये 1/2 कप दाल मैंने यहाँ ली थी। यहाँ मैंने एक पैन रखा है गर्म होने, और इसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें राई और जीरा डालेंगे। अब हम हींग डालेंगे, प्याज, तरह से चलाते हुए हम प्याज को पकाएंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं। बीच बीच में इस तरह से इसे चलाते रहना है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे इस तरह से मिक्स करते हुए हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी प्याज और हरी मिर्च के साथ पकाना है। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार। नमक हम इसलिए पहले डालेंगे क्योंकि टमाटर इससे जल्दी पक जाते हैं नमक डालने से। टमाटर को अब हम पकने देंगे थोड़ी देर। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने देना है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी जिससे ये मसाला जलेगा नहीं। 1 टेबल स्पून इतना पानी हमें इसमें डालना है। आधा मिनट हम इसे 30 सेकेंड पकने देंगे। ये दाल डालेंगे जो मैंने पका के रखी थी और इसे मिक्स करेंगे। इसमें हमें थोड़ा पानी ऐड करना है। इसे थोड़ा पतला करना है और अब हम इसे उबलने देंगे। आप देख सकते हैं इसे उबाला चुका है। अब हम इसे कम आंच पर इस तरह से 5-6 मिनट उबलने देंगे। ये दाल को आप चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लास्ट अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला
से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। लास्ट में इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। और गैस बंद करके इसे हम सर्व करेंगे। तैयार है हमारी गर्मा गर्म वाल की दाल। इसे आप चावल या रोटी के साथ सर्व करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।